नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। आस्था का महापर्व छठ पूजा भी कोरोना के इस काले साए से बच नहीं पाई। अब यह त्यौहार भी सरकार की पाबंदियों के बीच ही मनाया जाएगा। छठ पूजा को लेकर दिल्ली से मुंबई तक राजनीतिक पारा गर्म है। कोरोना के दूसरी लहर को और उसके संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार ने इस पूजा पर किसी तरह की छूट नहीं दी है और उन्होंने जनता से संयम बरतने की अपील की है। कोरोना की काली छाया ने वैसे तो देश के हर पहलू को प्रभावित किया है, लेकिन इसने हमारे त्योहारों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। गणपति, नवरात्रि, दीपावली, इस जैसे त्योहारों के बाद अब आस्था के महापर्व छठ पूजा पर भी कोरोना की काली छाया पड़ी है। इस त्योहार को लेकर राज्य सरकार अंतिम समय तक असमंजस की स्थिति में नजर आई, लेकिन बाद में दूसरी लहर की आशंका संक्रमण फैलने के हवाला देकर इस पूजा को भी प्रतीकात्मक बना दिया गया। समुद्र, नदी, तालाबों के किनारे पूजा और लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। कोरोना का प्रकोप बढ़ना नहीं चाहिए, इसके लिए जो भी त्यौहार हुए, चाहे वो हिंदू के त्यौहार हो या मुस्लिम के हो या क्रिश्चियन के हो या सभी 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 जाति धर्म के जो त्यौहार यहाँ पे हुए, सभी त्यौहार को सादगी से मनाने का राज्य शासन का धोरण रहा है। अभी छठ पूजा का भी त्यौहार अभी आया है, उसमें भी ये त्यौहार बड़े सादगी से मनाने के लिए हमने गाइडलाइन इशू की है। कहाँ पर समुद्र के किनारे या नदी के किनारे इस प्रकार की पूजा ना हो, इस प्रकार की गाइडलाइन हमने इशू की है। पूजा जरूर होना चाहिए, लेकिन पूजा अपने अपने तरीके से अपने घर में होना चाहिए। इस प्रकार का सबने सहयोग करना चाहिए, ऐसी हमारी सभी विनंती है। क्योंकि ऐसा है कि जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में है, इसमें जो जब तक अपन अच्छी तरीके से प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तब तक इसके ऊपर अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। आज हमारा एक अच्छी बात है कि मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर, पूरा महाराष्ट्र आज कोरोना के बारे में कंट्रोल में है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी ने प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और उस प्रकार की प्रिकॉशन अपन ने लिए तो जो प्रकोप कोरोना का है उसको अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से हम कंट्रोल भी कर पाएंगे। करके मेरी सभी हमारे भाई लोगों से विनती है कि उनमें उन सभी लोगों ने जो भी गाइडलाइन राज्य शासन ने इशू की है उसको कॉपरेट कर। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर शुरू से आक्रामक रही व सरकार पर भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश करती रही। राज्यपाल का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन आपातकाल की असाधारण शक्तियों से लैस सरकार के सामने असफल रही बीजेपी अब महागठबंधन सरकार को हिंदू विरोधी बता रही है। बीजेपी अपने इस बात को सच साबित करने के लिए लंबे समय तक बंद मंदिरों को हवाला देती रही। छठ पूजा के लिए भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल ने मुंबई महानगर पालिका को एक निवेदन दिया था, जिसमें हमने मांग की थी कि छठ पूजा के लिए मुंबई महानगर पालिका मुंबई भर में कृत्रिम तालाबों का निर्माण करे और छठ पूजा करने के लिए हमारे उत्तर भारत की माताओं और बहनों को परमिशन दे। परंतु कल मुंबई महानगर पालिका ने एक पत्रक जारी किया जिसके अंदर ये कहा गया है कि छठ पूजा के आयोजकों को कृत्रिम तालाबों के निर्माण और परमिशन का सारा खर्च वहन करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से इस सर्कुलर का विरोध करता हूं, निषेध करता हूं। महाविकास आघाड़ी सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में रहने वाले उत्तर भारतीय समाज क्या महाराष्ट्र के नागरिक नहीं है? क्या उन्हें महाराष्ट्र के अन्य नागरिकों की तरह अपने धर्म के निर्वहन करने का और पूजन पाठ करने का अधिकार नहीं है? छठ पूजा का मामला दिल्ली के हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अदालत ने यह कहकर इसमें किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया कि त्यौहार मनाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। अदालत की इस बात से हम भी सहमत हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। आप सभी को आस्था के इस महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सचिन दुबे के साथ इम्तियाज खान की रिपोर्ट।